तो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं एक छोटे से घर का आपको व्यू दिखाना चाहता हूँ। मैंने अभी फ़िलहाल इसमें काम किया है, बहुत ही शानदार घर है और सिंगल फ्लोर का घर है ये, 30x35 का ये घर है। हॉल का एक व्यू आप देख सकते हैं, काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पे टाइल्स फिट किया हुआ है। दूसरा अगर हम बात करें तो कोने में एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है जिसमें माता जी की जो टाइल्स में छपी हुई छवि आती है वो यहाँ पे फिट की हुई है। यहाँ पे सेंटर में अगर देखेंगे तो राधा कृष्ण का एक 2x2.5 का फोटो यहाँ पे फिट किया हुआ है। हॉल में एक फ्रंट में विंडो आ जाता है 4x3.5 का, ये विंडो आ गया, मेन गेट आ गया। उसके बाद अगर हम इसके फ्लोरिंग की बात करें तो 2x2 का टाइल्स में यूज़ किया हुआ है, देख सकते हैं प्रीमियम क्वालिटी का 2x2 का टाइल है, 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। इसके जॉइंट्स में अगर हम देखें तो अपॉक्सी भरी हुई है 3mm के ग्रुप के साथ में। और यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जो दीवार में लेदरी आ जाती है, कलर निकलने लग जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा कोई भी एरिया हो अंदर की साइड में टाइल फिट की जाती है 7 फिट के हाइट तक। तो यहाँ पे हॉल में भी पूरे 7 फिट तक टाइल इसमें 18x12 का यूज़ किया हुआ है, 150 रुपये पर इस पेटी के हिसाब से, पर बॉक्स के हिसाब से ये टाइल लाया गया है। ब्लैक पट्टा एक इसमें दिया गया है, बाकी पैटर्न जो है ये टाइल्स के अंदर ही है, 1.5 इंच का 150 इंच का ये जो आप पट्टी देख रहे हैं ये टाइल्स के अंदर ही है, जो काफ़ी देखने में अच्छा लगता है। दूसरा इसमें एक बेडरूम आ जाता है, एक बेडरूम इस साइड आ जाता है, दोनों बेडरूम सेम है, साइज़ दोनों का सेम है। अभी इसका गेट का आप डिज़ाइन देख सकते हैं, ग्रेनाइट में पूरा ये चौखट बनाया हुआ है, इसमें जो ग्रेनाइट लगा हुआ है साउथ ब्लैक ग्रेनाइट है, काफ़ी अच्छा ग्रेनाइट है। इसका थिकनेस भी बहुत ही अच्छा आता है और इसका पॉलिश जो शाइनिंग आता है वो भी काफ़ी शानदार आता है। यहाँ पर हमने इसको सैंडविच करके फिर बनाया, बीच में एक 2 सूत का ब्रास पट्टी इसमें यूज़ किया हुआ है। पूरा फिटिंग जो है बहुत ही शानदार तरीके से किया हुआ है। अगर आपको ऐसे दरवाजे की फ़िटिंग के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट ज़रूर कर देना, मैं आपको पूरा चौखट बनाने का एक पर्सनल वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। दूसरा अगर हम यहाँ से हॉल से अगर हम देखें तो एक किचन आ जाता है 8x10 फिट का, यहाँ पे एक इसका हॉल की साइड में विंडो है जिसको हमने पन्हारी के रूप में यूज़ किया है और जो है 3 इंच इसको वॉल से बाहर निकाला है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको 3 इंच बाहर निकाला है। यहाँ पे 2 मटके आराम से आ सकते हैं। ग्लास रखने के लिए हमने एक बीच में एक 8 इंच ऊपर 8 इंच नीचे मतलब हाइट से यहाँ पे एक सेल्फ डाला है और यहाँ पे मटके आ जाते हैं। अभी चलते हैं इसके किचन के अंदर, तो किचन में भी वही टाइल्स है, वॉल टाइल्स 18x12 का। इसमें जगह जगह जो है हमने यहाँ पे देख सकते हैं शिव पार्वती का एक फ़ोटो हमने यहाँ पे लगाया है और बाकी जो किचन के स्पेशल हाईलाइटर आते हैं वो हमने जगह जगह इसमें फिट किए। मॉड्यूलर किचन की बात करें तो पूरा साउथ ब्लैक में ये बनाया गया है, 2 इसमें साइड स्टैंड यूज़ किए हैं, फुल वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जाके आप देख सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो पूरा वीडियो डिटेल में आप जाके देख सकते हैं। यहाँ से 2 बेडरूम आते हैं सेम साइज़ के हैं, फर्स्ट बेडरूम मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला बेडरूम, यहाँ पे भी देखिए 7 फिट हाइट तक टाइल लगाया हुआ है 18x12 का, इसमें अलग टाइल लिया गया है। शोकेस के लिए हमने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया है ग्रेनाइट में, अलग अलग सेल्फ डाल के एक अच्छा सा डिज़ाइन क्रिएट किया है। यहाँ पे फूल के गमले या फोटो वगैरह रख के यहाँ पे आप एक शोकेस बना सकते हैं। बाकी स्टोरेज के लिए ऊपर एक कबाड़ बनाया हुआ है बड़ा, यहाँ पे फ्रेम फिट हो जाने के बाद काफ़ी अच्छा लगेगा और अंदर से जो भी है सामान पड़ा रहेगा, दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे एक 1.5 फिट का जो है छज्जा निकाला हुआ है लेंटर, उस पर भी आप स्टोर कर सकते हैं अपना सामान। बाकी पीछे अगर हम बात करें तो वॉशिंग एरिया आ जाता है, यहाँ पे 4x12 फिट का वॉशिंग एरिया है और इस तरफ में जो है इसका 9 टैब है, एक कोने में छोटा सा सेल्फ रखा है, बाकी अगर इसकी बात करें तो इस साइड में जो है वॉशिंग मशीन आ जाएगा। वॉशिंग एरिया को दोनों साइड से दोनों बेडरूम से यूज़ कर सकते हैं, दोनों बेडरूम में एक एक बारी पीछे निकाला हुआ है विंडो, एक विंडो इस तरफ है और एक विंडो ये, दोनों का गेट जो है वॉशिंग एरिया में निकलता है। तो अभी मैं आपको बेडरूम का साइज़ बता देता हूँ। बाकी अगर वॉशिंग एरिया के ऊपर की बात करें तो यहाँ पर ग्रिल फिट कर दिया गया है और यहाँ से कोई भी अंदर ना आ सके। बाकी चलिए बेडरूम में आपको साइज़ बता देता हूँ, 10x13.5 फिट का ये बेडरूम है, बाकी 5x6 फिट का एक ये खाना इस तरफ है। दोनों में ही सेम साइज है, दोनों में सेम डिज़ाइन है, एक एक शो बॉक्स है, ऊपर कबाट जो स्टोरेज के लिए वो बनाया गया है और दोनों का एक पीछे विंडो है और एक गेट है। बाकी इसका मैं आपको फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ कैसा दिखता है ये। यहाँ से हम बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलते हैं यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम आ जाता है, इस साइड में 3x3.5 फिट का एक टॉयलेट है और 3x4.5 फिट का
बाथरूम आ जाता है। अगर इसके एलिवेशन की बात करते हैं तो 18x12 का टाइल इसमें यूज़ किया हुआ है। 160 रुपये पर बॉक्स के हिसाब से इसमें टाइल जो लाया गया है वो फिट किया हुआ है। बाकी नॉर्मली इसमें जो है एलिवेशन का डिज़ाइन कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन देखने में काफ़ी खूबसूरत है। एक विंडो ये जो मेन हॉल में जाता है और एक ये जो किचन में जाता है। इसका मेन गेट और विंडो का जो फ्रेमिंग है वो फोटो फ्रेम में फिट किया हुआ है, काफ़ी खूबसूरत लिख रहा है। और मेन गेट के ऊपर जो है एक गणपति बापा मौर्या का छवि फिट किया हुआ है। बाकी इस साइड में इसका जो है सीढ़ी आ जाता है, ग्रिल फिट हो गया है। इसमें जो सीढ़ी में लगा हुआ है वो टाइल्स यूज़ किया है हमने, जो स्लिप नहीं हो पाए ऐसा टाइल इसमें यूज़ किया है। बाकी इसका एक लुक आप देख सकते हैं। आउटसाइड से अगर इसका पूरा लुक मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, इसका 11 फुट का बाउंड्री लिया गया है और इसका जो मेन गेट है हाउस का वो आप देख सकते हैं। 3 स्टेप इसमें बनाए गए हैं। बाकी पहला जो स्टेप देख रहे हैं बड़ा, यहाँ तक इसमें जो है भर्ती आ जाएगा, पूरा पैक हो जाएगा, 3 स्टेप में दिख जाएगा। साइड में 12x18 का डार्क जो पट्टा हॉल में लगाया है उसका मैंने एक पैटर्न क्रिएट किया है। और ये जो आप छोटा सेल्फ देख रहे हैं वो दीपक रखने के लिए दोनों साइड में एक छोटा छोटा रखा हुआ है। बाकी इसका जो अंदर का एरिया है उसमें अभी इंटरलॉक लगाना बाकी है। इसमें यहाँ पे जो है पूरा इंटरलॉक आ जाएगा, उसके बाद काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और इस साइड में इसका पानी का टैंक आ गया और ये कपड़े धोने के लिए या मोटर रखने के लिए जो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। बाकी कैसा लगा ये घर आपको मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।